In previous video, we looked after what is air pollution, what are the various sources, what are its major effect, what are the various preventive measures that should be taken or that are being taken in our country to suppress or to reduce the air pollution. Now it's time to have a detailed study about the water pollution. Again, to define with water pollution का meaning वही है जब अनवांटेड सब्सटेंसेस यानी पल्यूटेंट्स का एडिशन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर बॉडीज में या वाटर सोर्सेज में कर दिया जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ह्यूमन एक्टिविटीज़, उस प्रोसेस को बोला जाता है वाटर पल्यूशन. एंड वाटर पल्यूशन की वजह से, इस एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये एक्वेटिक लाइफ के रहने के लिए अनफिट हो जाती हैं. एंड साथ में ये सारे सोर्सेज जो हैं इनसे पानी को कंज्यूम भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज वाटर पल्यूशन मेक वाटर वेरी मच अनफिट फॉर द कंजम्पशन बाय द ह्यूमन बींग एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो. Now to look after the sources and effects of the water pollution, that what are the various sources that cause water pollution. So first source is sewage. होम से, मॉल्स से, होटेल से, या जितने भी लाइक जो भी हमारी वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे जो सीवेज है, जो डेली वेस्टेज है, वो वाटर बॉडीज में डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के. दैट मींस उन सीवेज में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें बिना ट्रीट किए, यानी उन्हें बिना कम हार्मफुल सब्सटेंसेस में रिड्यूस किए, उन्हें डायरेक्टली वाटर बॉडीज में ऐड कर दिया जाता है. एंड इस सीवेज में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस एंड पैरासाइट्स. एंड ये जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये टोटली अनफिट बना देते हैं उस वाटर बॉडी को, टोटली पल्यूट कर देते हैं. ये सीवेज बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है फॉर पल्यूटिंग द वाटर सोर्सेस, क्योंकि जैसे ही सीवेज किसी भी वाटर, फ्रेश वाटर सोर्स में एडअप हो जाएगा, उस वाटर को हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ आउट नहीं कर सकते हैं. एंड वट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस एडिशन ऑफ सीवेज ऑन लिविंग बींग्स. इस सीवेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से देर आर चांसेस ऑफ हैविंग वेरियस डिजीज सच एज डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्टिस. ओके, जस्ट लुक एट द नेक्स्ट सोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंस. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस उन्हें बोला जाता है जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के बहुत सारी इंडस्ट्री से डायरेक्टली वाटर बॉडीज में ऐड कर दिए जाते हैं. हालांकि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज बनी हुई है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरर बिना प्रॉपरली ट्रीट किए, बिना प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के अपने जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसे किसी भी वाटर बॉडी में ऐड नहीं करेगा, बट स्टिल इट हैपेंस. सो क्यों बहुत ज़्यादा ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस होते हैं उनमें लेड, मरकरी, आर्सेनिक एंड ये जो तीन मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, बिकॉज दे कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीज एंड पॉइजनिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड इन अनदर लाइक अदर लिविंग बींग्स. सो इसका इफेक्ट क्या होता है, दे पल्यूट रिवर एंड कॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज टू एक्वेटिक लाइफ एंड ऑल्सो मेक वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन. ये लेड, आर्सेनिक, मरकरी कंटेनिंग जो हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हैं ये रिवर को पल्यूट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ में बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो है वो कॉज करते हैं. इसके अलावा वाटर तो डेफिनेटली वो बिल्कुल अनफिट हो जाएगा कंजम्पशन के लिए या किसी हाउस होल्ड वर्क के लिए. इससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी भी करेंगे जो कि रियलिस्टिक लाइफ एक इंसिडेंट है, एंड मीना माता डिजीज करके एक एपिडेमिक, पेंडेमिक जो था वो हुआ था, बट उसके बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द चैप्टर. उसके अलावा एक और चीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं, शुगर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज, लेदर फैक्ट्रीज, जिसमें वो वाटर जो है वो यूज़ करते हैं, एंड फिर उस जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद उस वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो इस हॉट वाटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से क्या होता है, थर्मल पल्यूशन.
क्योंकि ये जो हॉट वाटर है ये एकदम से उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देगा, और इस सडन वेरिएशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक लाइव्स हैं हमारी एंड जो फिशेस हैं वो किल हो जाती हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर वेरिएशंस को फेस ऑफ नहीं कर पाती. तो एडिशन ऑफ हाई टेम्परेचर वाटर इनटू द वाटर बॉडीज बाय द इंडस्ट्रीज इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन. थर्मल इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, एंड इस थर्मल पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, थर्मल शॉक. क्योंकि इसी थर्मल पोल्यूशन की वजह से जो बहुत सारी फिशेज हैं और जो दूसरे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन को नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं झेल पाते, एंड दे गेट किल्ड. एंड इसी प्रोसीजर को बोला जाता है थर्मल शॉक. तो दिस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इज अ वेरी लाइक सीरियस काइंड ऑफ सोर्स दैट कॉजेज वाटर पोल्यूशन. एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से रिलेटेड एज आई मेंशन हम एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. ओके, लेट्स लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट सोर्स, पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द फार्म्स. जो एग्रीकल्चरल लैंड्स पे जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल स्प्रे करते हैं, जब वो वाटर के अलोंग फ्लो करके किसी न किसी रिवर पॉन्ड या दूसरे वाटर सोर्स में जाकर मिक्स होता है, तो ऑब्वियसली पेस्टिसाइड क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज होता है. मैंने एग्जांपल भी लिखा है DDT. जितना ज्यादा अमाउंट पेस्टिसाइड का वाटर में फ्लो करके वो जाएगा वाटर बॉडी में, क्या होगा, उस वाटर बॉडी में धीरे धीरे उस DDT की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो बढ़ती जाएगी. इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इन दैट वाटर बॉडी, और फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसको क्या करना शुरू करेंगे, कंज्यूम. और जब ऑब्वियसली बात है एक्वेटिक एनिमल्स जब किसी केमिकल को, किसी हार्मफुल किलिंग पेस्ट किलिंग केमिकल को कंज्यूम करेंगे, तो दैट विल डेफिनेटली हार्म देम एंड कॉज देयर डेथ. इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब एग्रीकल्चरल लैंड पे तो फर्टिलाइजर्स भी स्प्रे किए जाते हैं. ये सारी चीज़ें हमने अपनी चैप्टर जो वन हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, उसमें हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी थी प्रॉपरली. तो फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, और वो भी सेम पानी में फ्लो करके वाटर बॉडीज़ में जाकर एडअप होते हैं. लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स है ना, इनका एडवर्स इफेक्ट कुछ अलग तरीके से है. दीज फर्टिलाइजर्स कॉज यूट्रोफिकेशन. ये यूट्रोफिकेशन एक बहुत वास्ट टर्म है, इसकी एक्सप्लेनेशन लेट्स लुक एट डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस यूट्रोफिकेशन, दैट व्हाट दिस यूट्रोफिकेशन मींस. ये वाटर कैनाल जो है ये किसी फार्म से आ रही है जिसके अंदर कोई ना कोई फर्टिलाइजर मिक्स है, क्योंकि क्रॉप्स के ऊपर फर्टिलाइजर जो है वो स्प्रे हुआ होगा. सपोज बारिश हुई है एंड बारिश के साथ वो फर्टिलाइजर उस पानी में मिक्स होकर कैनाल के थ्रू एक न्यू वाटर बॉडी में जाकर मिक्स होने लगा है. और ये वाटर बॉडी कोई पॉन्ड हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग. अब फर्टिलाइजर्स क्या थे, फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट था, वो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो क्रॉप की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. तो क्या होगा जब फर्टिलाइजर कंटेनिंग वाटर किसी वाटर बॉडी में जाकर मिक्स होगा, जो फर्टिलाइजर वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड पे अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके क्रॉप्स की प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वही फर्टिलाइजर क्या करेंगे उस पॉन्ड में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एल्गी है, जिसको हम अपनी लेमन लैंग्वेज में काई, जो ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का सब्सटेंस मार्शी एरियाज में एडअप हो जाता है, तो ये फर्टिलाइजर क्या करेंगे, उस एल्गी की, उस एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पॉन्ड को धीरे धीरे जो उसका अपर सरफेस है वो ग्रीन कलर के एक्वेटिक प्लांट से कवर अप हो जाएगा. एंड जब ये एक्वेटिक प्लांट मर जाएंगे, दे विल डाई, दे विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, और उनके ऊपर जिन बैक्टीरिया का एक्शन होना शुरू होगा उनकी डिकम्पोजिशन के लिए, वो बैक्टीरिया उस वाटर बॉडी में जितनी भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी उसको यूज अप कर लेंगे. इसका मतलब उस पॉन्ड में ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि जितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसने यूज अप कर ली, उन बैक्टीरिया ने जिन्होंने डिकम्पोजिशन स्टार्ट की है बहुत सारे एक्वेटिक. किसी भी लेक में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है
उसके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, और वो जो हमारा प्रॉपर वाटर बॉडी था जिसके अंदर फर्टिलाइजर मिक्स पानी आकर मिक्स हुआ था, वो धीरे धीरे एक पूरा डैम्प एरिया बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, एक बहुत बड़ा कलेक्शन बन जाएगा डेड बॉडीज का एक्वेटिक एनिमल्स की. तो दिस होल सिनेरियो इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. तो इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? एक्चुअल में रीज़न ये है कि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हम फार्म्स में केमिकली सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, वो डिग्रेड नहीं होते, जिसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. तो हम क्या करें, हम बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स मतलब वो ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे पेस्टिसाइड होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, वो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे खुद ही डिकम्पोज डिग्रेड होकर फिनिश अप हो जाएंगे एंड दे वोंट बी पल्यूटिंग द वाटर बॉडीज. तो बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं कंपोस्ट एंड मैन्योर, जिनके बारे में हमने चैप्टर वन में बहुत अच्छे से पढ़ा था. एंड बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल नीम एक्सट्रैक्ट. अगर आप नीम लीव्स से एक्सट्रैक्ट बनाकर उसे स्प्रे करेंगे तो उस एरिया में पेस्ट जो है वो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा. तो दिस इज़ द होल सिनारियो बिहाइंड द यूट्रोफिकेशन. हमने वाटर पोल्यूशन के जितने भी सोर्सेस थे, सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, या फिर एग्रीकल्चरल फार्म लैंड वेस्ट है, ये सारे सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के, इनके बारे में वी हैव स्टडीड. एंड लेट्स लुक टूवर्ड द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट शुड बी देयर. जो घरों से, मॉल से या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाला जो सीवेज वेस्ट है उसको पहले प्रॉपरली इंडस्ट्रियली ट्रीट उसे करना चाहिए, उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हटा देने चाहिए, ताकि वो जिस भी बॉडी में, वाटर बॉडी में जाकर ऐड हो, वो उसे पल्यूट ना करे और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ के लिए इट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. उसके अलावा फार्म्स में जितने ज़्यादा हो सके हमें बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए. केमिकली सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स का जितना मिनिमल यूज़ हो सके उतना मिनिमम यूज़ करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली टाइमली बायोडिग्रेड हो जाएं और यूट्रोफिकेशन जैसी कंडीशंस को बर्थ ना दें. इसके अलावा फार्म्स में मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स जो हैं हमें वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में क्या होता है, फार्म्स में बहुत ज़्यादा कम से कम पानी यूज़ होगा मॉडर्न इरिगेशन मेथड में. इफ़ यू रिमेंबर, इसमें हमने वो ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम की बात की थी. तो जितना कम वाटर जो है वो फार्म्स में यूज़ होगा, उतना कम वाटर, केमिकली मिक्सड वाटर जो है वो वाटर बॉडी में ऐड होगा, तो यूट्रोफिकेशन जैसी जो कंडीशंस हैं वो कम से कम क्रिएट हो पाएंगी. उसके अलावा जो फैक्ट्रीज से जो वाटर वेस्ट आता है जिसमें केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले इंडस्ट्री को करना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रॉपरली वाटर बॉडी में उसे ऐड करें. अगर हाई टेम्परेचर वाटर उनके पास प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको पहले वो प्रॉपरली लो टेम्परेचर पर लेकर आएँ, नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आएँ, और तभी वो उसे वाटर बॉडी में ऐड करें. उसके अलावा घरों में यू शुड ट्राई कि आपका वाटर वेस्ट ना हो. एक लाइव एग्जांपल इसका, कि सपोज अगर आपके घर का कोई टैप है जो कि ड्रिप कर रहा है, लीक कर रहा है, तो वो सारा पानी इकट्ठा होके अल्टीमेटली जाएगा सीवर में एंड सीवेज के अमाउंट को बढ़ाएगा. तो यानी जो फ्रेश अच्छा वाटर था जो रीयूज किया जा सकता था, उस वाटर को भी हमने वेस्टेज की वजह से क्या कर दिया, सीवेज में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ सीवेज विल बी इंक्रीज एंड वाटर, इट विल एनहांस द वाटर पोल्यूशन. सो वाटर रिसाइकल शुड बी देयर एट होम्स. सो दीज आर ऑल द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन और टू मिनिमाइज द वाटर पोल्यूशन. द वेरी सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर इज पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर किसे बोला जाता है? वो वाटर जो सारे पल्यूटेंट से फ्री हो, सारे जर्म्स से फ्री हो, सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, एंड इट इज़ टोटली फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. ऐसे वाटर को बोला जाता है पोर्टेबल वाटर. द वाटर दैट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम ऑल द पल्यूटेंट्स, ऑल द जर्म्स, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इट इज़ टोटली फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. दैट वाटर इज़ नोन एज पोर्टेबल वाटर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम पोर्टेबल वाटर को किस तरीके से ऑप्टेन कर सकते हैं.
पोर्टेबल वाटर को ऑप्टेन करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वाटर फिल्टर्स, वाटर फिल्टर प्लस बॉइलिंग. इस टेक्निक में क्या किया जाता है, जो वाटर फिल्टर्स होते हैं वो सिरेमिक वाटर फिल्टर्स होते हैं एंड वो फिल्टर वाटर में से जितना भी सॉलिड वेस्ट उसके अंदर होता है उसे सेपरेट कर देते हैं. उसके बाद हालांकि ये सॉलिड वेस्ट निकलने के बाद हमें ऐसा ज़रूर दिखाई देगा कि पानी जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो गया और वो आपको प्योर दिखाई देगा, बट स्टिल देर आर चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट वाटर. तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमूवल को इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस पानी को फिल्टर करने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट तक बॉइल करें सो दैट ऑल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी किल्ड. वाटर फिल्टर्स और बॉइलिंग के अलावा नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है अल्ट्रा वॉयलेट लाइट फिल्टर्स, जिसको हम यूवी लाइट फिल्टर भी कहते हैं. एक्चुअली जो यूवी लाइट होती है इट्स अ काइंड ऑफ लाइट स्पेशल जो कि यूज़ की जाती है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है. तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें अल्ट्रा वॉयलेट रेज को यूज़ किया जाता है. जो ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज है ये एग्जैक्टली वही होती हैं जो सन से आती हैं और जिसे ओजोन लेयर जो है वो ट्रैप करता है. तो हम उन्हीं रेज को आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. एंड उसके बाद द वेरी लास्ट टेक्निक इज रिवर्स ऑस्मोसिस. ये बहुत कॉमन सिनारियो है बिकॉज आरओ इज द वेरी कॉमन टर्म दैट इज यूज्ड इन आर होम्स. हमारे घरों में जनरली आरओज इंस्टॉल्ड होते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस. मार्केट में बहुत सारे आरओ सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसे पोर्टेबल बनाने के लिए. एंड आरओ जो है वो उसकी क्या स्पेशलिटी है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. अब इस सेमी परमिएबल का क्या मीनिंग है, मतलब आरओ के अंदर ऐसी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो अपने थ्रू सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही पास होने देती है, अदरवाइज बाकी चीजों को वो पास होने नहीं देती. मतलब एक लाइन है, एक मेम्ब्रेन है जिसके बाउंड्री है, एक जिसके एक साइड से दूसरी साइड यानी उस बाउंड्री को क्रॉस करके सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चीजें ही क्रॉस हो पाएंगी और बाकी चीजें क्रॉस नहीं हो पाएंगी. तो वो इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सॉलिड वेस्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों को वाटर से अलग कर देता है और वाटर को पोर्टेबल बना देता है. सो दीज आर द थ्री टेक्निक्स दैट आर यूज टू मेक वाटर पोर्टेबल. नंबर वन इज वाटर फिल्टर एंड बॉइलिंग, अनदर वन इज अल्ट्रा वॉयलेट लाइट फिल्टर एंड अनदर वन इज आरओ दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. मार्केट में बहुत कॉमनली फिल्टर्स और आरओ सिस्टम्स जो हैं वो होते हैं प्रेजेंट, जिसको जनरली पीपल यूज टू बाय देम एंड इंस्टॉल इन देयर होम्स टू गेट पोर्टेबल वाटर. टाउन्स एंड सिटीज में जो हमारे पास वाटर हमारे घरों में सप्लाई आउट होता है, एक्चुअल में वो प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पास आउट होकर हमारे पास आता है. सो जो सारे स्टेप्स हैं जो अथॉरिटीज़ उस वाटर को पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए यूज़ करती है, आई हैव ड्रॉन ऑल दी स्टेप्स एंड एक्सप्लेन्ड इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट सो दैट यू पीपल कैन क्रैम इट ईजिली. सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर्स. रिवर से या जिस भी वाटर बॉडी से अथॉरिटीज़ को पानी लेना है वो प्रॉपरली उस वाटर बॉडी से पंप करके उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाती है. तो वाटर बॉडी से पानी जो है वो पंप होकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ गया. उसके बाद इस पानी को पास किया जाता है एक बार स्क्रीन के थ्रू, मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन के थ्रू उसे पास किया जाता है ताकि उसमें से जो प्लांट मटेरियल है और जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव करा जा सके. क्योंकि ऑब्वियसली जब वो पानी जो है वाटर बॉडी लेक में से पॉन्ड में से आया है तो उसमें कुछ प्लांट मटीरियल हो सकता है, कुछ बाकी का सॉलिड वेस्ट हो सकता है, तो उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी. उसके बाद वो पानी जाता है उस दूसरे टैंक में जिसमें ऐड की जाती है एलम. एलम जो है उसे अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो एलम का मीनिंग है फिट करी. एलम की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अराउंड प्रेजेंट डर्ट पार्टिकल्स को अपने ऊपर स्टिक कर लेती है. तो जब हमने उस वाटर टैंक के अंदर एलम डाला तो क्या होगा, उस पानी में जितनी भी डर्ट पार्टिकल डिजॉल्व होगी वो सब की सब उस एलम के ऊपर स्टिक हो जाएगी. और ये जो पूरा हमें एक मिक्सचर मिला
एलम, उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल्स एकदम प्रॉपर तरीके से स्टिक, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है फ्लॉक। और ये जो फ्लॉक होता है ये काफी हैवी वेट होता है, क्योंकि एक तो एलम है, ऊपर से उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल्स भी स्टिक हो गए हैं, तो ये जो फ्लॉक मटेरियल है ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। यहाँ एक प्रोसेस है जो प्रॉपरली काफी इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन, दैट इज कोएगुलेशन प्रोसेस। हमने इस टैंक में जो अभी किया है दैट इज कोएगुलेशन प्रोसेस ओनली। कोएगुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ डर्ट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स डिजोल्व इन वाटर। पानी में जो डर्ट पार्टिकल डिजोल्व है या और जो लार्ज ऑब्जेक्ट डिजोल्व है उसके रिमूवल को क्या कहा जाता है? कोएगुलेशन प्रोसेस। और इस एलम के थ्रू, इस फ्लॉक के थ्रू हम यही काम कर रहे हैं, कोएगुलेट कर रहे हैं हम वाटर बॉडी को। यानी अब उस वाटर टैंक में क्या है, सारी की सारी जो डर्ट है वो उस एलम के ऊपर स्टिक हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप विल बी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, हम उस पानी को कुछ टाइम तक बिना डिस्टर्ब किए स्टैंड स्टिल, विल लीव इट स्टिल स्टैंड, हम उसे एकदम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस विल लीव इट, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे सेडिमेंट होने देंगे। सेडिमेंट होने का मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द हैवियर ऑब्जेक्ट्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम। जो हैवी चीज़ है वो धीरे धीरे सेडिमेंट होकर पूरे सिस्टम के बॉटम में जब सेटल डाउन हो जाती है उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। तो जब हमने पानी को बिना डिस्टर्बेंस के छोड़ दिया तो जो ऊपर फ्लॉक रेडी हुआ था, एलम पीस और उसके ऊपर डर्ट जो स्टिक थी वो काफ़ी हैवी है, तो वो धीरे धीरे वो जो फ्लॉक है वो अपने आप सेटल डाउन नीचे हो जाएगा। और इस यूनिट को जिसमें सेडिमेंटेशन की जाती है उस यूनिट को बोला जाता है फ्लॉक्यूलेटर। ये जो वर्ड है ये फ्लॉक के सेटल डाउन होने की वजह से ही आया है। तो यानी सेटल सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लॉक जो है वो बिल्कुल बॉटम में सेटल डाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या होगा, पानी को जो पूरा सिस्टम हमारा अभी तक चलते आ रहा है उसको हम सैंड और ग्रेवल की लेयर्स में से पास करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड इम्प्यूरिटी ये जो फ्लॉक बना था ये प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा, उस वाटर में से फिल्टर आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस में हम फिल्टरेशन कैरी आउट करते हैं और इस यूनिट को बोला जाता है क्लेरिफायर। मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जिस यूनिट में फिल्टरेशन कैरी आउट होती है उसे हम क्लेरिफायर बोलते हैं। तो फिल्टरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम द वाटर टू मेक इट क्लीन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गई, जो फाइनल स्टेप है हमारा, वो कि हमारे वाटर में से जितना भी सॉलिड मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल, वो तो रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमें उस पानी को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। एंड द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर टू मेक इट पोटेबल, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिसइंफेक्शन। पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल, दिस इज नोन एज डिसइंफेक्शन। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कैसे किया जाता है? ये जो पानी है उसमें से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, जो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है और डिसइंफेक्ट कर देती है पानी को। एंड इस प्रोसीजर को बोला जाता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर यूजिंग क्लोरीन गैस। सो दिस इज द कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि अथॉरिटीज कैरी आउट करती हैं सिटीज़ में एंड टाउन्स में, हमारे घरों में पानी भेजने से पहले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजर टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। आफ्टर दिस विल बी हैविंग जस्ट वन और टू केस स्टडी रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच इज़ बींग मैंशनड इन योर बुक्स। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड दिस केस स्टडी। एक्चुअली केस स्टडी का पहले मैं मीनिंग बता दूँ। केस स्टडी क्या होती है? हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी हमारे आसपास के वर्ल्ड में बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलली चलने वाला कोई ऐसा केस हुआ है तो हम उसकी स्टडी को बोलते हैं केस स्टडी। फॉर एग्जांपल, मैंने जितने भी एयर और वाटर के पोल्यूशन के सोर्सेज बताए, अगर इन एक्चुअल जो बहुत बड़े स्केल पर मेरी कम्युनिटी में या मेरे आसपास कोई भी ऐसा केस हुआ होगा जिसमें एग्जैक्टली वही सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट हमारी सोसाइटी पर हुआ है, तो दैट विल बिकम अ केस फॉर मी, एंड उसी के ऊपर स्टडी करना विल बी केस स्टडी। तो कुछ इसी तरीके का केस एक हुआ था, दैट वॉज मीनामाटा डिजीज,
और ये मिनामाटा डिजीज जापान में हुई थी, और 1960s के अराउंड ये डिजीज का एपिडेमिक जो है वो वहां लोगों में एक्यूमुलेट हुआ था. एक्चुअल में हुआ क्या था इस डिजीज में, एक चीसो कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक इंडस्ट्री थी जापान में, एंड वो क्या करती थी, वो वाटर सोर्स से पानी यूज करती थी अपने फैसिलिटी प्रोडक्शन के लिए. उसके बाद उस पानी को यूज अप करने के बाद वो वापस से वाटर सोर्स में ऐड कर देती थी, लेकिन जो उसका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट था, जो वो वेस्ट वाटर वापस वाटर सोर्स में ऐड करती थी, उसमें क्या होता था, मिथाइल मरकरी. ये एक ऐसा केमिकल है जो इस फैक्ट्री इस इंडस्ट्री से यूज अप हुए हुए वाटर के अंदर मिक्स हो जाता था. यानी जो वाटर सोर्स में ये लोग पानी ऐड कर रहे थे उसमें मिथाइल मरकरी नाम का केमिकल कंपाउंड जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा था. तो जो इनके पास नियर बाय, जो इस फैक्ट्री के नियर बाय वाटर सोर्स था जिसके अंदर ये मिथाइल मरकरी कंटेनिंग पानी डाल रहे थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो उस सोर्स में फिशेस प्रेजेंट थी, उस पॉन्ड में, उस लेक में, या जो भी सोर्स था उसमें जो फिशेस प्रेजेंट थी उनके अंदर ये मिथाइल मरकरी नाम का केमिकल जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, और उन फिशेस के अंदर मिथाइल मरकरी की क्वांटिटी बढ़ती गई, क्योंकि फिशेस जो है वो उसी पानी में रह रही हैं, उसी पानी को इनहेल कर रही हैं, तो डेफिनेटली जो केमिकल कंपाउंड वो वाटर सोर्स में प्रेजेंट है वही फिशेस के अंदर भी एक्यूमुलेट हो जाएगा. और इन फिशेस को यूज किया जाता था नियर बाय नेबर जो वहां लोग रहते थे उनके थ्रू, क्योंकि फिश जो है वो उनकी एक स्टेपल डाइट का पार्ट होता है. तो यानी जिन फिशेस के अंदर मिथाइल मरकरी नाम का केमिकल ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका था बहुत लार्ज अमाउंट में, लोगों ने उन फिशेस को कंज्यूम किया एज अ मेन फूड इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से लोगों में क्या हो गई, मरकरी पॉइजनिंग. क्योंकि जो मरकरी है वो एक बहुत ज्यादा हार्मफुल मेटल होता है जो कि सीरियस कंडीशन होने पर इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. और लोगों में इस मरकरी पॉइजनिंग होने की वजह से क्या हुआ था, उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए थे, लोग कोमा में जाना शुरू हो गए थे, डेथ भी हो सकती थी, डेथ भी हुई थी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में. इसके अलावा लोगों में हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा हो गए थे. दिस मरकरी पॉइजनिंग कॉज्ड मेंटल डिसऑर्डर्स एट वेरी लार्ज स्केल. सो दिस वॉज द वेरी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल दैट वॉज कॉज्ड इन दैट हैपेंड इन जापान अंडर द नेम ऑफ मीनामाटा डिजीज. इस डिजीज को मीनामाटा डिजीज बोला गया था, एंड दिस एपिडेमिक वॉज देयर इन जापान इन 1960s एरा. 1960s के टाइम पे ये जो डिजीज है ये जापान में हुई थी. सो दिस वॉज द केस स्टडी. इट इज प्रेजेंट इन योर कॉलिंस बुक ऑल्सो. वंस यू विल गेट योर बुक यू विल रीड इट आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. आगे चैप्टर्स में जो जिसमें केस स्टडीज आएंगी हम रिलेटेबल तरीके से उन्हें प्रॉपरली पढ़ेंगे. एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू चेक योर पोर्टल्स डेली, बिकॉज पोर्टल पर चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट्स असाइनमेंट सब आ रहे हैं. तो वीडियो से चैप्टर को प्रॉपरली समझने के बाद यू पीपल जस्ट ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस दैट इज बींग गिवन इन दोज वर्कशीट्स एंड असाइनमेंट. दैट विल बी ट्रूली हेल्पफुल फॉर यू. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.